गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड हो गई हैं। इस गाड़ी में हमने पेंटिंग का पार्ट कवर नहीं किया है, इसमें सिर्फ पॉलिशिंग का पार्ट कवर किया है। इस गाड़ी में हमने एक साइड आगे पीछे बम्पर और छत डेंट पेंट करी है। बहुत ज़्यादा मेजर नहीं थी लेकिन उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई है, इसमें सिर्फ पेंटिंग का पार्ट ही कवर किया गया है। ये गाड़ी हुंडई की इलेंट्रा है और ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी होती है और मुझे पर्सनली ये वरना से ज़्यादा अच्छी लगती है। वरना से ये साइज़ में भी बड़ी होती है और चलने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है और लुक वाइज वरना जैसी है लेकिन वरना से अच्छी लगती है मुझे। तो इस गाड़ी में हम पॉलिशिंग का काम कवर करेंगे। तो अभी कंपाउंडिंग का काम हो रहा है, इससे पहले हमने सैंड पेपर से पूरी गाड़ी की सैंडिंग कर दी है और क्योंकि हमने गाड़ी एक साइड और आगे पीछे बम्पर पेंट करे थे तो उस पर सैंडिंग होनी थी और उसके अलावा भी पूरी गाड़ी में हमने सैंडिंग करी है और अब हमारा कंपाउंडिंग का काम शुरू है। इससे गाड़ी में ग्लॉस फाइनल स्टेप जो होता है, जो शाइनिंग के लिए होता है, वो सैंडिंग के बाद पॉलिशिंग का ही होता है, जिससे गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू लगने लगती है और गाड़ी में जो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है वो वापस आ जाती है। एक गाड़ी को पॉलिशिंग करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। 2.5 3 घंटे की मेहनत होती है जो गाड़ी में ग्लॉस और गाड़ी को ब्रांड न्यू लुक दे देती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आप फॉलो कर लें, मेरी आईडी है
शादी डायमंड 9933 आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रही होगी। आप जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा काम कैसा लगा और एलेंट्रा वरना में से आपकी फेवरेट कौन सी है। कंपाउंडिंग लगभग हमारी पूरी हो गई है और लास्ट स्टेप होता है बॉडी पॉलिश का, जो इस समय अप्लाई किया जा रहा है। ये सिंपल इसको अप्लाई किया जाता है बॉडी पे और 5-10 मिनट बाद जब ये सूख जाती है तो इसको टॉवल से पोंछ दिया जाता है। बॉडी एकदम शाइनिंग करने लगती है इस बॉडी पॉलिश लगाने के बाद। और डैशबोर्ड जितना भी ब्लैक पार्ट होता है उस पर डैशबोर्ड पॉलिश अप्लाई की जाती है। तो अब हम आपको गाड़ी दिखाने जा रहे हैं कि पॉलिशिंग के बाद गाड़ी कैसे बनकर तैयार हुई है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बताएं और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट कार एलेंट्रा है या फिर पगना है। तो चलिए और आपको हम वीडियो दिखाते हैं गाड़ी की, गाड़ी कैसे बनकर तैयार हुई है।